हेलो एवरीवन, दिस इज इजी कंसेप्ट वाला। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस इन महाराष्ट्र थ्रू MSTCET, मतलब कि जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस है पूरी तरह से गवर्नमेंट की फंडिंग और मैनेजमेंट गवर्नमेंट के ओर से होता है उन कॉलेजेस के बारे में। तो पूरी तरीके से डिटेल्स इस वीडियो में, पूरी डिटेल तरीके से वीडियो बनाए है। और ये इस वीडियो में जो 13 कॉलेजेस मुझे मिले हैं गवर्नमेंट के है उनकी पूरी डिटेल्स बताइए। तो वीडियो लास्ट तक पूरा आपको देखना है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इन 13 कॉलेजेस में जो पहले 9 कॉलेजेस है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कॉलेज है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कॉलेज। और जो बचे हुए 4 कॉलेजेस है वो कॉलेजेस गवर्नमेंट एडेड है, मतलब कि प्राइवेट है लेकिन गवर्नमेंट उनको मदद कर रहा है, एड कर रहा है। तो ऐसे 4 कॉलेज है गवर्नमेंट एडेड। तो इन जो मैंने ये वीडियो लिस्ट बनाई है 13 कॉलेजेस में, इसमें ऐसे भी कॉलेजेस है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उनके ब्रांडिंग है, लेकिन कई कॉलेजेस अभी अभी उसके उनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो वो थोड़े नीचे आ सकते हैं। कई प्राइवेट कॉलेजेस के वो भी नीचे आ सकते हैं, लेकिन हम जो वीडियो बना रहे हैं उसका टॉपिक है गवर्नमेंट कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, तो उनको भी इस वीडियो में लिस्ट में शामिल करना बनता है। तो वो भी कॉलेजेस मैंने शामिल किए हैं और 13 कॉलेजेस की पूरी डिटेल्स इस वीडियो में दे दी है। तो वो पूरा वीडियो आपको देखना ही है और लाइक भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे 9 नंबर का कॉलेज, मतलब कि हम नीचे से ऊपर तक जाने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 9 नंबर का कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंद्रपुर का, जिसका कोड है 4004। तो यहाँ पे मैं कोड भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोड आपको जब आप कट ऑफ देखोगे तो आप ये कोड डालोगे वहाँ पर, कोड और उसके पास स्पेस और उसके पास डैश, वो सर्च करोगे तो पूरी तरीके से ये कॉलेज आपके सामने आ जाएगा, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोड इसका ये है, स्टेटस इस कॉलेज का गवर्नमेंट है, होम यूनिवर्सिटी गोंडवाना यूनिवर्सिटी है, लोकेशन चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, एस्टैब्लिशमेंट 1996 में हुई थी, कॉलेज को GCVC इस नाम से भी पहचाना जाता है, कैंपस 63 एकर्स का है, हॉस्टल भी अवेलेबल है, रीजन टाइप अर्बन बता रहे हैं। और जो ब्रांचेस है इस कॉलेज में वो है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, ENTC इंजीनियरिंग। जो लोकेशन है इस कॉलेज का वो है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है चंद्रपुर जो कि 7 किलोमीटर पे है, चंद्रपुर बस स्टैंड से 7 किलोमीटर पे है और नागपुर एयरपोर्ट से 165 किलोमीटर पे है। तो ये सब डिटेल्स है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंद्रपुर के बारे में। तो देखते हैं उसके अगले वाला कॉलेज जो कि है 8 नंबर का, जो कि है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज यवतमाल का, उसका कोड है 1012। स्टेटस ऑफ कोर्स गवर्नमेंट है, होम यूनिवर्सिटी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो कि है लोनेर की, लोकेशन है यवतमाल महाराष्ट्र, एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 2018 की, अभी अभी हुई है इसका मतलब, कैंपस है 43 एकर्स का, हॉस्टल अवेलेबल है और रीजन टाइप अर्बन है। ट्रैवल मोड देखेंगे तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन धमन गांव है जो कि 45 किलोमीटर पे है, यवतमाल बस स्टैंड है जो कि 2 किलोमीटर पे है, नागपुर एयरपोर्ट 150 किलोमीटर पे है। ब्रांचेस देखे यहाँ पे तो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये सब बातें हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज यवतमाल के बारे में। तो अगले वाला कॉलेज देखते हैं, नेक्स्ट कॉलेज जो कि है 7 नंबर का, जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जलगांव, कोड है 5004। स्टेटस है गवर्नमेंट, होम यूनिवर्सिटी है कवयित्री बहिनाभाई चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव की, लोकेशन अपोजिट गवर्नमेंट ITI नेशनल हाईवे नंबर 6 जलगांव का, एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1996 में और उस इसे GCVJ भी कहते हैं, और हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है और रीजन टाइप अर्बन है। ब्रांचेस देखें तो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लोकेशन देखें तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जलगांव जंक्शन जो कि बहुत ही पास है, 2 किलोमीटर पे है, जलगांव का बस स्टैंड है वो 1.5 किलोमीटर पे है, औरंगाबाद का एयरपोर्ट 160 किलोमीटर पे है। तो देखते हैं नेक्स्ट कॉलेज जो कि है 6 नंबर का, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च अवसरी खुर्द, पुणे का कॉलेज है, कोड है 6004। स्टेटस गवर्नमेंट, होम यूनिवर्सिटी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, लोकेशन अवसरी तालुका आंबेगाँव डिस्ट्रिक्ट पुणे, एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 2009 में और GCVARA ऐसा भी उसे कहा जाता है, कैंपस 50 एकर्स का है, अवेलेबल हॉस्टल भी अवेलेबल है लेकिन यहाँ पे जो रीजन टाइप है वो रूरल है। लोकेशन देखें तो पुणे रेलवे स्टेशन से 70 किलोमीटर पे, मंसर बस स्टैंड से 3 किलोमीटर पे और जो एयरपोर्ट है पुणे का उससे 80 किलोमीटर दूर है।
तो ब्रांचेस देखेंगे तो सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये सब डिटेल्स है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च अवसरी खुर्द के बारे में। जाते हैं नेक्स्ट कॉलेज के ओर, जो कि है 5th नंबर का गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, जिसका कोड है 4025। गवर्नमेंट का कॉलेज है और राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है ये कॉलेज। उसके बाद लोकेशन है वो सेक्टर 27, मिहान रिहैबिलिटेशन कॉलोनी, खापरी, नागपुर। तो आई थिंक ये नागपुर सिटी में ही कॉलेज आता है। एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 2016 में, अभी हुई थी। कैंपस 2 acres का है, हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर, अवेलेबल है, और रीजन टाइप अर्बन है। तो ब्रांचेस देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कुछ इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, दोनों भी सेम है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लोकेशन देखें तो नागपुर रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर पे है, नागपुर बस स्टैंड से 15 किलोमीटर पे ही है, और जो नागपुर का एयरपोर्ट है वो थोड़ा पास है, 7 किलोमीटर पर है। तो ये सब डिटेल्स है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर के बारे में। तो देखते हैं उसके नेक्स्ट कॉलेज, जो कि है 4th नंबर का गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड़, जिसका कोड है 6005। स्टेटस गवर्नमेंट एटोनोमस है। एटोनोमस मतलब कि क्या, गवर्नमेंट का है लेकिन एटोनोमस है, पूरा जो मैनेजमेंट है खुद कॉलेज ही देखेगा, गवर्नमेंट का वहाँ पे सिर्फ जो अदर्स क्राइटेरिया थे वो ही सिर्फ आएगा। एटोनोमस मतलब कि पूरा जो सिलेबस है, मैनेजमेंट है, सिर्फ कॉलेज देखेगा, कौन सी भी यूनिवर्सिटी या फिर इंटरफेयर नहीं करेंगी। होम यूनिवर्सिटी शिवाजी यूनिवर्सिटी है, जो कि कोल्हापुर की है। लोकेशन विद्यानगर, कराड़ इन डिस्ट्रिक्ट सातारा। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1960, बहुत पहले की, मतलब कि बहुत पुराना ये कॉलेज है, और जितना पुराना कॉलेज उतना अच्छा कॉलेज है, ध्यान में रखें। कैंपस 60 एकर्स का है, हॉस्टल अवेलेबल है, रीजन टाइप अर्बन बता रहे हैं। और उसके बाद जो इंजीनियरिंग ब्रांचेस है वो है सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, ENTC एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लोकेशन देखेंगे तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कराड़ है, जो कि 7 किलोमीटर पे है। कराड़ बस स्टैंड से 5 किलोमीटर पे है, पुणे एयरपोर्ट से 150 किलोमीटर पे है। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड़ के बारे में ये है पूरी डिटेल्स। जाते हैं अगली कॉलेज के ओर, जो कि है 3rd नंबर का गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, कोड 1002, गवर्नमेंट एटोनोमस कॉलेज है, ये भी एटोनोमस कॉलेज है। तो होम यूनिवर्सिटी है संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी। होम यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूँ, होम यूनिवर्सिटी मतलब कि क्या, उस होम यूनिवर्सिटी में वो कॉलेज आता है। जब आपकी एडमिशन प्रोसेस होगी तो अदर देन होम यूनिवर्सिटी एंड होम यूनिवर्सिटी ऐसा क्राइटेरिया लगाते हैं, तो उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ लीजिए आप पुणे यूनिवर्सिटी में आपका जो 12th हुआ था वो 12th पुणे यूनिवर्सिटी में हुआ था, मतलब कि पुणे यूनिवर्सिटी के रीजन में हुआ था, तो आपकी होम यूनिवर्सिटी हो गई पुणे यूनिवर्सिटी, तो ऐसा है। और या फिर आप पुणे यूनिवर्सिटी के बाहर के स्टूडेंट हो तो आपके लिए वो हो गए अदर देन होम यूनिवर्सिटी। तो ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी उस समय। लोकेशन देखेंगे तो लोकेशन है VMV रोड नियर काथोरा नाका अमरावती में। तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, उसके लिए थोड़ा सा समझ में लीजिए। लोकेशन अमरावती में है। एस्टैब्लिशमेंट 1964 में हुई थी, पुराना कॉलेज है। कैंपस 112 एकर्स का है, बहुत बड़ा कैंपस है। हॉस्टल भी अवेलेबल है, रीजन टाइप अर्बन है। जो ब्रांचेस है इंजीनियरिंग के वो देखेंगे तो सिविल, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रिकल, ENTC, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मैकेनिकल, 7 ब्रांचेस है। लोकेशन देखेंगे तो अमरावती रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर पे है, अमरावती बस स्टैंड से 3 किलोमीटर पे है, नागपुर एयरपोर्ट से 155 किलोमीटर पे है। तो ये सारी बातें हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती के बारे में। जाते हैं नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद का, जो कि जिसका कोड है 2008। गवर्नमेंट एटोनोमस कॉलेज है ये भी, और उसके बाद होम यूनिवर्सिटी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। लोकेशन है स्टेशन रोड ओस्मानपुरा औरंगाबाद में। एस्टैब्लिश हुई थी 1960 में, पुराना कॉलेज है। हॉस्टल अवेलेबल है, रीजन टाइप अर्बन है। इंजीनियरिंग ब्रांचेस यहाँ पे देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 6 ब्रांचेस है। और उसके बाद लोकेशन देखेंगे तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पे 2 किलोमीटर पे, औरंगाबाद बस स्टैंड पे 2.5 किलोमीटर पे, एयरपोर्ट औरंगाबाद का उससे 10 किलोमीटर पे। ये तो ये सारी बातें हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद के। तो उसके बाद आते हैं टॉप का कॉलेज, जो कि है 1st गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वो ऑफ कोर्स
COEP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जिसका कोड है 6006। स्टेटस गवर्नमेंट ऑटोनोमस है। होम यूनिवर्सिटी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। लोकेशन है विलेसली रोड शिवाजी नगर पुणे। फिर से बता दो, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकते हैं, सॉरी। एस्टैब्लिशमेंट 1854 पे हुई थी। बहुत ही पुराना कॉलेज है, बहुत ही, मतलब कि जब ब्रिटिश थे उस समय का कॉलेज है। और फिर से बता दो, जितना पुराना कॉलेज उतना अच्छा कॉलेज CUP, इसलिए CUP टॉप पे है। कैंपस देखेंगे तो 36.81 एकर्स का है। हॉस्टल अवेलेबल है, रीजन टाइप अर्बन में है, तो पुणे में है तो अर्बन होगा ऑफ कोर्स। और पुणे सिटी में 36 एकर्स का कैंपस है, अच्छी बात है। और यहाँ पे और एक बात बताऊंगा, ये CUP गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज है, लेकिन सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी का कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं आता, पूरी तरीके से ऑटोनोमस है। इस तरीके से CUP खुद का खुद सब कुछ देखता है, ऑटोनोमस है। सिर्फ होम यूनिवर्सिटी इस कॉलेज की सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जो कि आपको समझ में आ जाएगा एडमिशन प्रोसेस के वक्त। CUP में हम ब्रांचेस देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जिकल। तो कई यहाँ पे अलग से ब्रांचेस आपको सुनाई देगी दे रही है, जो कि है प्रोडक्शन और मेटलर्जिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो चैनल पे आगे जैसे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो इन सारे ब्रांचेस के बारे में डिटेल वीडियो आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स कॉलेजेस के बारे में बता रहा हूँ, तो ब्रांचेस के बारे में डिटेल वीडियो आ जाएगा। 10 के ऊपर कमेंट्स इस वीडियो के नीचे जाते है कि ब्रांचेस के बारे में वीडियो बनाओ, तो जरूर जल्द से जल्द सीरीज शुरू हो जाएगी ब्रांचेस के ऊपर डिटेल वीडियो बनाने के बारे में। तो कमेंट जरूर करना, हाँ वीडियो को लाइक भी करना है, बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ भाई, तो लाइक तो बनता ही है। लोकेशन CUP का देखेंगे तो पुणे रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर पे है, शिवाजी नगर बस स्टैंड से 0.5 किलोमीटर पे है और लोहगांव एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर पे है। तो ये सारे डिटेल्स है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के बारे में। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस इन महाराष्ट्र का। गवर्नमेंट एडेड मतलब कि क्या, जो प्राइवेट है लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट की एड भी हो रही है, मतलब कि गवर्नमेंट उनको प्राइवेट कॉलेजेस को हेल्प कर रहा है। तो हम फिर से नीचे से ऊपर जाने वाले हैं, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे आता है SGGS, जो कि है श्री गुरु गोविंद सिंह जी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नांदेड। कोड है 2020, कोड तो बहुत ही अच्छा है, 2020। स्टेटस है गवर्नमेंट एडेड ऑटोनोमस, ऑटोनोमस कॉलेज है ये भी। होम यूनिवर्सिटी है स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़। लोकेशन है विष्णुपुरी नांदेड़ में। इस्टाब्लिश हुई थी 1981 में। पुराना कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। कैंपस 46 एकर्स का है। हॉस्टल अवेलेबल है। रीजन टाइप अर्बन है। तो ट्रैवल मोड, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन नांदेड़ है, जो कि है 8 किलोमीटर पे, सॉरी। उसके बाद बस स्टैंड नांदेड़ का 8 किलोमीटर पे है। एयरपोर्ट नांदेड़ का 12 किलोमीटर पे है। ब्रांचेस देखेंगे बहुत सारे, 10 यहाँ पे ब्रांचेस है इस कॉलेज में इंजीनियरिंग के, जो है सिविल, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, प्रोडक्शन, मैकेनिकल, टेक्सटाइल। तो यहाँ से फिर ऐड हो गए कुछ नए ब्रांचेस, जो है टेक्सटाइल एंड केमिकल। उसके बारे में देखेंगे हम, कमेंट जरूर करना, 10 के ऊपर कमेंट जाना ही चाहिए। तो ये सारी बातें थी SGGS के बारे में। देखते हैं अगला कॉलेज, जो कि है थर्ड नंबर का सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अंधेरी का। कोड है 3014। स्टेटस गवर्नमेंट एडेड ऑटोनोमस, SGGS पे, हाँ राइट। तो जो सरदार पटेल कॉलेज है उसका स्टेटस है गवर्नमेंट एडेड ऑटोनोमस। होम यूनिवर्सिटी है मुंबई यूनिवर्सिटी। लोकेशन मुंशीनगर अंधेरी वेस्ट मुंबई सब अर्बन मुंबई। और इस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1962 में। पुराना कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। कैंपस है 47 एकर्स का। हॉस्टल अवेलेबल है बॉयज़ के लिए। तो जितनी जानकारी मुझे मिली, यहाँ पर सिर्फ बॉयज़ के लिए हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए नहीं है। फिर भी आप यहाँ पे इंक्वायरी करिए और चेक कीजिए ऐसी ये इंफॉर्मेशन बराबर है या नहीं, लेकिन मुझे जितनी जानकारी मिले वहाँ सिर्फ बॉयज़ का ही हॉस्टल है। आप फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, गर्ल्स के लिए आप वहाँ पे इंक्वायरी करना। रीजन टाइप अर्बन है इस कॉलेज का, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। ब्रांचेस सिर्फ 3 ही है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और लोकेशन देखें तो अंधेरी वेस्ट रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर पे, और बस स्टैंड भवंस कॉलेज, जो कि 0 किलोमीटर पे है, मतलब कि लगता है वहाँ पर ही है, और सांताक्रूज एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर पे है। तो ये सारी बातें हैं सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अंधेरी पे।
तो जाते हैं नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली का, जिसका कोड है 6007, स्टेटस गवर्नमेंट एडेड, एटोनॉमस है, होम यूनिवर्सिटी इसकी शिवाजी यूनिवर्सिटी है कोल्हापुर की, लोकेशन है विश्राम बाग सांगली में, इस्टाब्लिशमेंट 1947 में हुई थी, मतलब कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट में जा रहा था तो ये इस कॉलेज की स्थापना हुई है। कैंपस 90 एकर्स का है, हॉस्टल अवेलेबल है, रीजन टाइप अर्बन है, और ब्रांचेस देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद हम देखेंगे तो ट्रैवल मोड, जो कि सांगली रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर पे है, सांगली बस स्टैंड से 5 किलोमीटर पे है, कोल्हापुर एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर पे ये कॉलेज है। तो ये सारी बातें हैं वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली के बारे में। तो उसके बाद हम देखने वाले हैं फर्स्ट कॉलेज गवर्नमेंट एडेड क्राइटेरिया में, जो कि है VJTI, वीर माता जिजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, VJTI माटुंगा मुंबई, जिसका कोड है 3012, स्टेटस गवर्नमेंट एडेड एटोनॉमस, होम यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी, लोकेशन HR महाजनी मार्ग माटुंगा मुंबई में, एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1887 में, लगभग COP कॉलेज के वक्त ही इस कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। कॉलेज बहुत ही अच्छा है, जितना पुराना कॉलेज उतना अच्छा कॉलेज। कैंपस 16 एकर्स का है, मुंबई अर्बन एरिया में 60 एकर्स का है, हॉस्टल अवेलेबल है, रीजन टाइप अर्बन है, और ब्रांचेस 9 ब्रांचेस है, सिविल, कंप्यूटर, IT, इलेक्ट्रिकल, ENTC, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, मैकेनिकल, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। यहाँ पर लोकेशन देखेंगे तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है दादर, जो कि 1 किलोमीटर पे है, दादर बस स्टैंड से 1 किलोमीटर पे, सांता क्रूज एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर पे है। तो ये सारी बातें थी VJTI के बारे में, जो कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में सबसे ऊपर आता है। तो ये सारे कॉलेजेस के लिस्ट पूरे डिटेल में मैंने आपको बताई है। तो हर एक कॉलेज के लिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं गया, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस है, और डीप में जाता तो और बहुत बड़ा यहाँ पे वीडियो होता। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में कुछ भी डाउट आपको आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछे, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मुझे आपका डाउट पूछ सकते हो। ये जो प्रेजेंटेशन आपने पूरी वीडियो में देखा, वो आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, पूरी डिटेल्स की प्रेजेंटेशन वहाँ पर मिल जाएगी, मैं वहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, तो अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में आपके लिए। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट, वेरी ऑल द बेस्ट।